नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। हमारा देश स्वच्छता के प्रति लगातार सजग बना हुआ है और हम ये भी महसूस करते हैं कि महात्मा गांधी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत तरह तरह के अभियान के माध्यम से देश को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। इसी संकल्प से देश में भगवान विश्वकर्मा की जयंती यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया है, जिसके दूसरे दिन आज राजधानी लखनऊ स्थित पंचायती राज निदेशालय में इस महत्वपूर्ण अभियान को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए कहा कि स्वच्छता ही सेवा मिशन केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही अभियान नहीं बल्कि आम जनता का अभियान है। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि मैंने खुद कल लोगों के साथ 400 मीटर नाली की सफाई की है। मैं झाड़ू पकड़कर फोटो खिंचवाने में यकीन नहीं करता। मेरा कहना है कि जब झाड़ू उठाई है तो सफाई करके ही दम लेंगे। इस मौके पर सी न्यूज भारत से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम नंबर 1 हो चुके हैं, अब आगे लड़ाई जारी रहेगी। मैं कल सुल्तानपुर में था, 6 घंटे में कल सुल्तानपुर में था तो मुझे झाड़ू थमा दिया गया और बताया गया कि यही सड़क साफ करिए। डीएम साहब थी, सीडीओ महोदय मतलब पूरे अधिकारी थी। हमने कहा देखो हम नकली काम नहीं करते भाई। बगल में मैंने देखा तो भव्य मंदिर था और मंदिर के सटे हुए एक नाली थी, नाली में गंदगी पड़ी थी, उसमें प्लास्टिक के थैले थे, चाय पीने वाले छोटे प्लास्टिक के तमाम तरह के कचरे थे। हमारे साथ 4 विधायक थे। विधायक जी ने तो सोचे कि चलो सड़क ये तो हम लोग झाड़ू लगा के फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ओम प्रकाश राजभर की नजर कहीं और है। तो मैं जब जाते समय ही देखा तो नाली में गंदगी दिखी, तो जब झाड़ू मुझे थमाया गया तो मैंने विधायक जी से कहा और डीएम साहिबा और सीडीओ से कि चलो मेरे साथ, कैसा उधर कहाँ के आओ। अब ले गए 400 मीटर नाली साफ कर चले। और मैं खुद लगा रहा, ऐसा नहीं कि मैं खुद लगा रहा कि हमारे प्रमुख सचिव बगल में बैठे हैं, डायरेक्टर हैं, सचिव हैं, हमारे सभी अधिकारी बैठे हैं। हम सभी लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश को स्वच्छता में एक नंबर कर दिया। अब आप इसी से महसूस कर सकते हैं कि हमारे ही विभाग नहीं पूरे 25 करोड़ आबादी में खुशहाली है कि हम लोग अब बेहतर करेंगे। बेहतर करने के लिए सब लोग व्याकुल हैं। आज बेहतर करने के लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है। सबके मन में एक बात धीरे धीरे बैठ रही है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस काम को कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कर सकते हैं, मिनिस्टर कर सकते हैं, विधायक कर सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। साफ सफाई से क्या हानि है, क्या लाभ है, हम लोग जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित है जो आप अगर स्वच्छ मन से अध्ययन करेंगे तो आप अगर रेलवे स्टेशन चले जाइए तो कल तक बड़े बड़े चूहे स्टेशन पर मिलते थे, लेकिन आज स्टेशन पर गंदगी नहीं है। आप एयरपोर्ट चले जाइए, आप वहाँ वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। आप गांवों में, आप विद्यालय में चले जाइए, प्राथमिक विद्यालय वहाँ चले जाइएगा, आज वहाँ भी साफ़ सफाई आपको मिल रही है। आप ब्लॉकों पर भी चले जाइए तो आपको बड़ी संख्या में साफ़ सफाई मिलेगी। हम नहीं कहते कि कुछ ऐसे प्लेस हैं जैसे हॉस्पिटल है, डेली की डेली कचरे निकल रहे हैं, जो गंदगियाँ निकल रही हैं वहाँ भी प्रयास हो रहा है कि बेहतर किया जाए। तो हम लोग बेहतर करने के लिए पूरी सरकार मन से लगी हुई है। बुलडोजर ब्रेक यहाँ पर लग गया है, अपनी बात से कहते क्या। नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, सरकार उसका स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की निजी संपत्ति पर बुलडोजर ना चलाया जाए, उनका ये कहना है। सरकारी संपत्ति कोई कब्जा कर ले उसको ना खाली कराया जाए। सरकारी संपत्ति पर बस करके वो अपराध की दुनिया में मास्टर बने, अपराध का मास्टर बने और अवैध अकूत संपत्ति कमा करके सरकारी संपत्ति पर कब्जा करे तो उसको खाली कैसे कराया जाएगा।
तो उसको खाली कर, उस पर सुप्रीम कोर्ट का रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ा कहा कि इतनी सरकारी संपत्तियां सब लोग कब्जा कर लो, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी की निजी ज़मीन पर इस तरह की बात ना हो। तो हम लोग तो ऐसा करते भी नहीं हैं, सरकार ऐसा नहीं करती। जो सरकारी ज़मीनें हैं उसको अगर कोई अवैध कब्जा किया हुआ, उस पर अगर बिना वजह बिना अनुमति के मकान बना लिया है, भवन बना लिया है, उसको गिराया जाता है। आखिर सवाल रहेगा, उपचुनाव में आपकी पार्टी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है? हम NDA के साथ हैं, 100 सीट पर चुनाव की तैयारी चल रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।